कौन सा माइक आपके मोटर व्लॉगिंग सिस्टम के लिए बेस्ट है कोई बात नहीं करता है इन 5 पॉइंट्स पे। 3 रिंग 2 रिंग भाई बहुत दिक्कत देता है। ऑन कैमरा है भी आप तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बात जरा ऊपर नीचे मत करना। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं 60 की स्पीड में और इस स्पीड में बताना कि मेरी वॉइस भाई कितनी बेहतर आ रही है, कितनी क्रिस्प आ रही है। तो भाई वो पूरा ऑरेंज मार्क तक पहुंच गया। तो गाइस दिक्कत यही है भाई। हेलो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस अगर आपने ये वीडियो में इसलिए क्लिक किया है कि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा माइक आपके मोटर व्लॉगिंग सिस्टम के लिए बेस्ट है या आपके सिस्टम में से भाई अभी तक नॉइज नहीं गई है, आपने सारे हथकंडे अपना लिए हैं, सारी सेटिंग चेंज कर दी अपने एक्शन कैमरा की, इनफैक्ट भाई अपने माइक तक चेंज कर दिए हैं, कभी कुछ कभी कुछ, कभी अटरम कभी सटरम, कभी फलाना कभी डिमकाना कभी लो लहसुन अदरक प्याज टमाटर भाई सब कुछ चेंज कर लिया है, लेकिन जो ये विंडोज वाली दिक्कत है भाई ये जैसी की तैसी है। आपने भाई सही जगह क्लिक किया है क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा माइक आपके मोटर व्लॉगिंग सिस्टम के लिए बेस्ट है। और भाई सिर्फ ऐसे ही नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा ऐसे 5 रीज़न जिसकी मदद से भाई आप लोग जान सकेंगे कि कौन सा माइक आपके लिए बेस्ट रहेगा। इनफैक्ट भाई हम 2 माइक का कंपैरिजन भी करने वाले हैं जो कि भाई मोटो व्लॉगर्स अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, वीडियो को पूरा देखना, आपके बहुत सारे डाउट ना भाई इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि कहीं ना कहीं जो दिक्कत अभी आप लोग फेस कर रहे हैं ना भाई, वो दिक्कत सब लोग फेस करते हैं। इनफैक्ट भाई मैंने भी दिक्कतें फेस करी हैं और उन प्रॉब्लम्स को मैंने यूट्यूब में सर्च भी किया है। आप लोग ने भी किया है ना, मुझे पता है ब्रो, तभी तो बता रहा हूँ। मतलब जो ये वीडियो होगा ना भाई, ये 1-to-1 इंटरेक्शन होने वाला है एक तरीके का। तो गाइस देखो, मैंने उन्हें सर्च किया है आप लोगों की तरह, तो बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मुझे मिले हैं यूट्यूब में और कुछ ऐसे सवाल भी भाई जिनके जवाब मुझे यूट्यूब में नहीं मिले। तो गाइस उन क्वेश्चंस पर मैंने काम किया है पर्सनली और उससे हुआ क्या कि भाई नए क्वेश्चंस उभर के आए हैं, कुछ नई दिक्कतें उभर के आई हैं। ऐसा करते करते अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो ऐसा करते करते भाई जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये भाई मेरे 3 से 4 महीने की मेहनत है। मेन इंपॉर्टेंट बात ये थी। अच्छा, तो गाइस इस बात के लिए वीडियो को भाई लाइक जरूर करना और अभी क्या करना है मैं बताऊंगा। रुको रुको, थामा थामा सब बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखना बिकॉज मैंने कहा ना भाई 1-to-1 इंटरेक्शन, डाउट्स बहुत सारे, सब क्लियर होंगे। होले होले। अच्छा, तो गाइस जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं 2 ऐसे माइक का जिसमें भाई मोटो व्लॉगर्स बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो पहला तो है भाई सोनी का ECM LV1 माइक और दूसरा है ये हेलमेट। और ये हेलमेट मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि भाई जो मेरा दूसरा माइक है वो है बोया का BY-M1 माइक और उसे भाई मैंने इंस्टॉल किया है अपने इस हेलमेट। और साथ ही साथ मैंने एक बात और कही थी कि मैं ऐसे 5 पॉइंट्स पे डिस्कशन करूंगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि कौन सा माइक आप लोगों को लेना चाहिए। और जो ये 5 पॉइंट्स है ना भाई, इस पे बहुत से लोग बात नहीं करते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ पॉइंट भाई इसमें इतने इंपॉर्टेंट है ना कि भाई वो बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है। तो भाई ऐसा ना हो आप लोगों के साथ, तो मैं बताऊंगा भाई वो 5 पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले पॉइंट्स के साथ। तो गाइस पहला पॉइंट है नॉन पावर्ड माइक। अब नॉन पावर्ड माइक क्या होते हैं, जैसे कि भाई नेम रिजेंबल कर रहा है, नॉन पावर्ड माइक उन माइक को कहते हैं जो बिना किसी एक्सटर्नल पावर सोर्स के भाई काम करते हैं। अब मतलब समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, एक मिनट रुको। तो गाइस ये है भाई बोया का BY-M1 माइक, ठीक है। और जो आप ये देख रहे हैं ना, ये सिलेंडर जैसा देख रहे हो, इसको अगर हम खोलते हैं तो इसमें भाई ये सेल दिख रहा है। तो गाइस बोया का BY-M1 माइक करता है भाई काम सेल से, ठीक है। तो भाई ये नॉन पावर्ड माइक नहीं है, ये है पावर्ड माइक। और इसी के उल्टा जो मेरा सोनी का ECM LV1 माइक है भाई, वो कुछ इस तरीके का है, तो इसमें कोई पावर सोर्स नहीं है। तो गाइस ये है भाई नॉन पावर्ड माइक। अब इसका फ़ायदा क्या होता है ये मैं भाई पर्सनली बता रहा हूँ, बिकॉज मेरे संग एक बार क्या हुआ था कि मैंने अपने बोया का माइक लगाया था भाई, मैं मस्त तरीके से मोटर व्लॉगिंग कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, पूरा शूट किया अच्छे से मस्त तरीके से। बट जब भाई मैं घर आया ना और मैंने क्लिपिंग देखी तो भाई उसमें वॉइस थी ही नहीं, क्योंकि जो इसका सेल था भाई वो कभी डाउन हो गया होगा और इसमें कोई ऐसा सिग्नल तो आता है नहीं कि भाई आपको सेल चेंज करना है या कुछ करना है। तो गाइज वो पूरी वीडियो भाई ख़राब हो गई, ठीक है। तो ये एक रीज़न है और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है कि आपको भाई नॉन पावर्ड माइक लेना चाहिए अपने मोटो व्लॉगिंग सेटअप के लिए। मज़ा आया। तो गाइज जो पहला पॉइंट है भाई वो जाता है हमारे सोनी के ECM LV1 माइक को। तो हमारा भाई ये माइक आगे हो गया है बोया के BY-M1 माइक से 1 ऑल से। तो भाई जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई वो है लेंथ ऑफ द माइक। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई जो मेरा बोया का माइक है ना उसमें एक दिक्कत है कि जो इसकी लेंथ ऑफ द माइक है ना वो है भाई 20 फिट और उसे मैंने भाई कुछ इस तरीके से अरेंज किया अपने हेलमेट में। ये क्या है? और आपको दिखने का भाई पूरा जाल लग रहा होगा ना, क्योंकि ये जाल है और जाल को बुनते वक्त भाई बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और बहुत सारी बातों का भी बात ध्यान रखना पड़ता है इस जाल को बुनते वक्त। तो गाइस एक प्रॉपर लेंथ एक माइक की वो होनी चाहिए। सपोज़ कि आपने अपने हेलमेट में उसका माइक लगा दिया है तो जो उसका वायर होना चाहिए ना वो आपके भाई एक्शन कैमरा या आपके मोबाइल फ़ोन तक भाई ईजिली पहुँच सके,
बस भाई इससे ज़्यादा ये तामझाम नहीं चाहिए ब्रो। और भाई ये क्वालिटी प्रोवाइड कराता है सोनी का ECM LV1 माइक भाई, उसके कंपैरिजन में ना भाई ये बहुत सही है। मतलब एक मीटर कह सकते हैं इसको, और ये भाई इनफ लेंथ होती है। अगर इससे छोटा भी होगा तो चल जाएगा काम, बट ये है कि भाई ये सफिशिएंट है, इनफ है भाई मोटर व्लॉगर्स के लिए। तो गाइस स्कोर हो चुका है 2-2, और सोनी का भाई ये माइक अभी जीत रहा है फिलहाल। लेकिन अभी और भी पॉइंट्स हैं, तो बने रहो, स्टे ट्यून्ड। और अभी तक अगर लाइक नहीं किया ना भाई तुरंत करो ना, ना भाई अभी लाइक करो, फिर बढ़ेंगे हम आगे की ओर। अरे भैया नहीं चीटिंग नहीं चलेगी ब्रो, यार करना पड़ेगा, करो गुड टू गो। तो गाइस अब बारी है भाई तीसरे पॉइंट की, और ये ऐसा पॉइंट है ना भाई जिसके बारे में बहुत से लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो आपको चलेगा पता, लेकिन हाँ भाई पहले ना मुझे भी इस पॉइंट के बारे में मालूम नहीं था। तो आप जैसे जैसे काम करते हो ना, जैसे जैसे आप उस फील्ड में जाते हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं जो कि शुरू में भाई आप सोच भी नहीं सकते हो। तो चलो भाई बात करते हैं अपने तीसरे पॉइंट की। तो गाइस जो ये सोनी का माइक है ना, इसमें आप देखें तो यहाँ पर को आपको ये दो दिख रहे होंगे, दो वाइट रंग के जो ये सर्किल हैं, जो रिंग्स हैं भाई ये दो दिख रही होंगी। और अगर हम बात करें भाई बोया के माइक की, तो इसमें भाई तीन वायर हैं, ये देखो तीन रिंग दिख रहे हैं, 1, 2 और 3। तो ऐसे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि आप जो मोटो व्लॉगिंग कर रहे हो किस चीज़ से कर रहे हो, या आप फ़ोन का यूज़ कर रहे हो या आप एक्शन कैमरा का यूज़ कर रहे हो। तो अगर आप एक एक्शन कैमरा यूज़ कर रहे हो, तो जो दो रिंग वाला माइक्रोफोन है, मतलब जो सोनी का माइक्रोफोन है भाई, वो प्रॉपर एक्शन कैमरा के लिए बना है। और उसी के उल्टा जो वो तीन रिंग वाला है, वो बना है प्रॉपर फ़ोन के लिए। जी हाँ, बहुत से लोगों को भाई ये मालूम नहीं होगा, बट शुरू में भाई मुझे भी दिक्कत हुई थी। इससे होता क्या है ना कि कहीं ना कहीं अगर आप फ़ोन को यूज़ करोगे सोनी के माइक के साथ, तो उसमें हल्की सी नॉइज़ आएगी, फिर वो भाई तेज़ स्पीड चलाने में कहीं ना कहीं वो हल्की सी साउंड जो आती है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत देती है। ऐसा मेरे साथ हुआ है ब्रो, मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने इसका उल्टा किया था। मतलब मैंने बोया के माइक को यूज़ किया था अपने GoPro के साथ, जो मेरा एक्शन कैमरा है, आपको बताना भाई कौन सा है। मेरा तो भाई GoPro Hero 9 है, और इस पर एक पूरा डिटेल वीडियो बनाया मैंने मेरे मोटो व्लॉगिंग सेटअप के ऊपर, तो वो भी आप ज़रूर देखना। खैर बात करते हैं कि जो मैंने माइक को इंस्टॉल किया था भाई अपने GoPro के साथ, तो भाई वो स्पीड में ना नॉइज़ आती थी, और मैं भाई मैं समझ नहीं पाता था कि शुरू में भाई ये नॉइज़ क्यों आ रही है। सब कुछ मैंने सेट किया था, सब कुछ मैंने 88 लेवल का किया था, बट फिर भी भाई वो नॉइज़ आ रही थी। तो कहीं ना कहीं जो ये वो है ना कि तीन रिंग दो रिंग भाई बहुत दिक्कत देता है, लेकिन इससे आप निजात पा सकते हो। वो कैसे? उसके लिए आपको लेना पड़ेगा एक कन्वर्टर। अभी कन्वर्टर क्या है? ये होता है भाई TRRS to TRS कन्वर्टर। अगर आपको तीन रिंग वाले को भाई दो रिंग में कन्वर्ट करना है, मतलब अगर आप अपने बोया के माइक को ना अपने GoPro में लगाते हो, अपने मीडियम मोड में लगाते हो, तो उसमें भाई आपको TRRS to TRS कन्वर्टर चाहिए। और ये कन्वर्टर आता है भाई 150 रुपये का, और ठीक इसके उल्टा होगा अगर आपको वो करना पड़ेगा दूसरा वाला, मतलब वाइसी वर्सा, तो उसके लिए आपको TRS to TRRS कन्वर्टर चाहिए होगा। समझ में आया नहीं आया? आया भाई, वीडियो को दोबारा देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो ये वाला पॉइंट है, तो ये जाता है भाई कहीं नहीं, बिकॉज देखो बहुत से लोग फ़ोन से मोटो व्लॉगिंग करते हैं, बहुत से लोग एक्शन कैमरे से मोटो व्लॉगिंग करते हैं, तो भाई जिसको ऐसा सही लगता है वो अपने हिसाब से भाई देख लेना ब्रो। तो भाई चौथा और पाँचवा पॉइंट है भाई कोरिलेट करता है एक दूसरे के साथ। वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि चौथा पॉइंट है भाई बजट, और पाँचवा पॉइंट है ऑडियो क्वालिटी। तो कहीं ना कहीं भाई एक मिनट ब्रो, अरे भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एक मिनट, ऑन कैमरा है भी आप, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बात जरा ऊपर नीचे मत करना, जो बात लिमिटेड है वही करना। अरे मैंने कहा पापा कहाँ हैं? कहाँ? मैंने, पापा घर में हैं, आप पिताजी के फोन में कॉल कर सकते हैं। चलो गाइज हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। फाइनली गाइज बात करते हैं अपने जो मेन इशू है, हमारा मेन टॉपिक है भाई पॉइंट्स की तरफ, अपने चौथे और पांचवें पॉइंट की तरफ। तो गाइज चौथा पॉइंट है भाई बजट के ऊपर। तो गाइज जो बोया का माइक है उसकी कॉस्ट है 1995, और इस माइक में ना भाई आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है, मतलब 60% भी मिल जाएगा, 65% भी मिल जाएगा। तो जब मैंने ये लिया था 695 का, और जो सोनी का माइक है भाई उसकी प्राइस है 2090 रुपये, और इसमें ऐसा भाई इतना तगड़ा डिस्काउंट नहीं मिलता है। अगर मोस्टली मिल जाएगा तो भाई 10% या मैक्सिमम भाई 20%, इससे ऊपर नहीं। और मैंने ये लिया था भाई 1509 रुपये का, उसमें भी मुझे भाई बहुत सारे कूपन्स लगाने पड़ गए थे, सुपर कॉइन्स एंड ऑल जो भी सारी चीज़ें होती हैं, बिकॉज दोनों आइटम भाई मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि कौन सा प्राइस आपको सूटेबल लगता है। और दोनों वैसे ना देखा जाए तो भाई अंडर बजट है, मतलब अंडर बजट वो होता है मॉडरेट बजट, मोर इम्पोर्टेंटली भाई मॉडरेट बजट कहेंगे इसे हम, बिकॉज अंडर बजट हो गया आपका मेरे अकॉर्डिंग 1000 से ऊपर, मतलब 1000 से अंदर, और जो मॉडरेट आ गया वो हो गया भाई 1000 से 2000 के बीच में। ठीक है, तो ये पॉइंट जो जाता है भाई वो डिपेंड करेगा ऑडियो क्वालिटी के ऊपर कि कैसी ऑडियो क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं दोनों माइक। तो गाइस अब बारी है भाई हमारे पाँचों पॉइंट्स की, जो कि है भाई ऑडियो क्वालिटी, और इसके लिए हमें चलना पड़ेगा फील्ड में। तो लेट्स गो, ऑल गुड।
गुड टू गो। तो गाइस आई एम बैक और हाँ रेडी है अपने हम पांचों पॉइंट के लिए जो कि है ऑडियो क्वालिटी। तो गाइस ऑडियो क्वालिटी हम टेस्ट करेंगे भाई तीन स्पीड्स में, एक रहेगी हमारी 0 to 40, फिर 40 to 60 और फिर 60 और अबव। ठीक है तो अभी भाई बताना कि जो स्पीड है ये अंडर हमारी 40 है अभी, तो इसमें भाई वॉइस कैसी आ रही है और ये माइक कौन सा है, ये है सोनी का माइक। ठीक है तो अब थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करते हैं, ये रही भाई 40 के अबव, थोड़ी सी और बढ़ाई 50 तक पहुँचे हैं। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं 60 की स्पीड में और इस स्पीड में बताना कि मेरी वॉइस भाई कितनी बेहतर आ रही है, कितनी क्रिस्प आ रही है। ठीक है अब थोड़ा सा यहां से बढ़ाएंगे इसे हम, हाँ भाई ठंड बहुत लग रही है यार, ठंड बढ़ चुकी है ब्रो। तो गाइस अभी हमें 60 प्लस और इस स्पीड में भाई ये माइक कैसा परफॉर्म कर रहा है मुझे आप लोग कमेंट्स में बताना। 60 70 नियर अबाउट 80 है भाई, अभी हम 80 हाँ अब चल रही भाई हमारी 80 की स्पीड। और गाइस इस स्पीड में ये माइक कैसा परफॉर्म कर रहा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। ठीक है तो भाई तीनों स्पीड में आप लोगों ने देख लिया कि भाई ये माइक ने कैसा परफॉर्म किया है, अब बारी हमारे बोया के माइक की। गाइस अब आ चुका भाई हमारा बोया का माइक और बताना की जो साउंड में भाई फर्क आया वो फील हुआ आप लोगों को? बंद करो ये कैमरा, बंद करो सब। तो गाइस आप लोगों ने सुनी होगी भाई भी बोया के माइक की नॉइस। जी हाँ भाई नॉइस थी, वो वॉइस तो भाई उसमें थी नहीं पूरी वीडियो में, जिन 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 भाई सरदर्द बहुत हुआ। और भाई ये सब चीज़ें मुझे पता चली जब मैंने घर में आके वो वीडियो देखी। तो गाइस ये दिक्कत आती है और ये दिक्कत भाई मैंने आपको बताया हमारे पॉइंट नंबर वन में जो कि था भाई नॉन पावर्ड माइक। ठीक है ना तो गाइस पावर्ड माइक के संग ये दिक्कत आती रहेगी। इनफैक्ट हुआ क्या, होता क्या है बेसिकली, जब अपने आप माइक को ना अपने GoPro अपने मीडियम आउट के संग कनेक्ट करते हैं तो इसमें एक इंडिकेटर आता है कि आपका जो माइक है भाई वो GoPro के संग कनेक्ट हो गया है, जिसमें ग्रीन दिखाता है कि आपकी वॉइस अच्छी खासी और ऑरेंज दिखाता है भाई आपकी वॉइस कुछ ज़्यादा ही अच्छी है, मतलब वो फुल इंडिकेशन होता है। तो भाई जब मैं माइक से मैंने घर आके चेक किया ना, जब वो दिक्कत आई उसके बाद, तो भाई वो ऑरेंज तक पहुँच ही नहीं रहा है, इतने पास से बोला था भाई मैं उस माइक में। बट जब मैंने भाई उसका सेल चेंज किया, वही भाई दिक्कत कि पावर नॉन पावर्ड, फिर सेल चेंज किया तो भाई वो पूरा ऑरेंज मार्क तक पहुंच गया। तो गाइस दिक्कत यही है भाई, जो ये पांच पॉइंट है ना भाई ये ऐसे वैसे नहीं है, ये भाई बहुत फ़ायदे के पॉइंट है, तो इन पॉइंट्स को भाई अच्छे से रट लो, बहुत काम आने वाले हैं आपके पूरे मोटो व्लॉगिंग कैरियर में। वर्ड भूल गया था मैं, कैरियर। ठीक है चलो भाई फाइनली टेस्ट करते हैं बोया के माइक को, ऑल गुड गुड गो। तो गाइस आई एम बैक और हाँ भाई अब ये है भाई बोया का माइक और स्पीड भाई हमारी अंडर 40 है अभी। तो बताना कि भाई इसकी वॉइस कैसी है अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं, तो भाई थोड़ा सा बैक करेंगे इसे आप सोनी के माइक के संग भाई लाइव कंपेयर कर सकते हैं। और अब थोड़ी सी भाई अपनी स्पीड बढ़ाएंगे हम, हाँ भाई ये है भाई अभी 60 की स्पीड और इसमें भाई नॉइस आ रही है या नहीं आ रही है या मेरी वॉइस कितनी क्रिस्प है ये आप लोग बताना। और फिर से वही कंपेयर करना चाहते हो ना तो गाइस थोड़ा सा इसको रिवाइंड करो सोनी के माइक के साथ, कर सकते हैं भाई कंपेयर। चलो अब बढ़ाएंगे भाई हम 60 के अबव। तो गाइस अबव 60 स्पीड चल रही है और कितनी भाई इसमें नॉइज आ रही है वो तो आप लोग भाई अभी समझ गए होंगे। और हाँ गाइस इस माइक में यार मैंने कोई कन्वर्टर नहीं लगाया तो थोड़ी सी नॉइज ना भाई वो आएगी हल्की सी, जो मैंने बताया था भाई पॉइंट नंबर थर्ड था हमारा, तो गाइस वो थोड़ी सी दिक्कत भाई रहेगी इस बोया के माइक के साथ। तो गाइस फाइनली आई एम बैक और हाँ भाई अभी तक तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि भाई कौन सा माइक आप लोगों के लिए बेस्ट है, कमेंट किया। तो गाइस जिन लोगों ने भी सोनी के भाई माइक को अच्छा बताया है या भाई कहा है कि उसकी वॉइस क्वालिटी सुपीरियर है, तो भाई वो बहुत सही है क्योंकि भाई हमारा विनर है सोनी का ECM LV1 माइक। जी हाँ तो अगर आपने कमेंट सही किया तो आपके लिए वाह वाह, और जिन लोगों ने भाई कमेंट सही नहीं किया है या आपने बोया के माइक को चूज़ किया है तो भाई वो आप लोगों ने जो पॉइंट्स देखा होगा मोबाइल फ़ोन वाला उस पर भी जा सकता है, अगर नहीं तो भाई बजट देखो जैसा कि मैंने कहा भी था कि चौथा और पांचवा पॉइंट भाई वो कोरिलेट करेगा। तो अगर आपको भाई वॉइस क्वालिटी थोड़ी सी बेहतर चाहिए तो उसके लिए पैसे बढ़ाने तो पड़ेंगे ना, और सोनी का ECM LV1 माइक को तो लेना पड़ेगा ना वीरो। तो होपफुली भाई आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हुए होंगे और हाँ साथ ही साथ मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें बताऊंगा कि मैं अपने मोटो व्लॉग के लिए ना कौन से GoPro की सेटिंग यूज़ करता हूँ। ठीक है तो भाई वो वीडियो भी इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन हाँ इस वीडियो को भाई लाइक जरूर करना और साथ ही साथ भाई कमेंट्स बताना कि आपको फेवरेट पार्ट कौन सा लगा और स्कोर भाई वो जरूर बताना कि ये कितने स्कोर से जीता है। ठीक है तो अभी फिलहाल इस व्लॉग को रैप अप करते हैं, मिलते हैं आपसे कल, सीजन बाय, जय हिंद, गुड गो, बाय बाय।